अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ अवतार स्पेशल में द परफेक्ट पकोड़ा। पकोड़ा कैसे बनता है, वैसे तो सबको बनाना आता है, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ ना तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त, क्रिस्पी और सबको पसंद आने वाले। अच्छे पकौड़े बनाने के लिए सारे इन्ग्रीडियंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लेंगे आलू, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया। लहसुन अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप दूसरे ले लीजिए। अगर आप लहसुन ऐड करेंगे ना तो ये पकोड़े के टेस्ट को डबल कर देता है। तो सारी सब्ज़ी हम कट कर लेते हैं, और हमने कट कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। मैंने लिया एक बड़े साइज़ का प्याज, उसका छिलका वगैरह मैंने रिमूव कर दिया है, और उसके बाद जो ये ऊपर वाला सख्त हिस्सा होता है इसको भी हम रिमूव कर देंगे, और उसके बाद सारे प्याज को कट कर लेंगे। प्याज को हम इस तरह से कट करेंगे कि इसके हम लच्छे बना लेंगे, जो ज़्यादा बारीक भी नहीं होंगे और ज़्यादा जो है वो मोटे भी नहीं होंगे। और अच्छे पकौड़ों की पहली बात क्या है कि आपने प्याज जितना लेना है उससे डबल आपने आलू लेने, आपने प्याज ज़्यादा नहीं लेना, वरना आपके जो पकौड़े हैं वो आपको मीठे लगेंगे। प्याज की कटिंग हो गई है, इस तरह से मैंने उसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ जो है वो अलग कर दिया है। उसके बाद हम कट करेंगे आलू। आलू को इस तरह से कट करना है जैसे हम चिप्स कट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको लंबाई में कट कर लिया है, इतने लंबे पकौड़े अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने इनको हाफ़ किया है, और हाफ़ करने के बाद इनके इस तरह से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। ना तो ये ज़्यादा मोटे होने चाहिए, ना ज़्यादा पतले होने चाहिए, दरमियाने साइज़ में काटना है। और उसके बाद इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने फ्रीज़र से पालक निकाल ली और इसमें ऐड कर दिया। पालक को मैंने कट करके रमज़ान से पहले फ्रीज़ किया था, अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ग्रीन है। अब हम सारी जो बाकी ग्रीन चीज़ें हैं वो कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं, अब हमने इनको शामिल कर दिया है पकौड़ों का जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है एक बाउल में, और उसमें से ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब बारी है इसमें बेसन ऐड करने की, और बेसन आपने इसमें बहुत कम ऐड करना है। जितना आपने मसाला बनाया है ना उसके हाफ से भी थोड़ा सा कम आपने इसमें बेसन शामिल करना है। जितना हम बेसन कम शामिल करेंगे उतना हमारे पकौड़े अच्छे बनेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है कुटा हुआ धनिया, लास्ट में मेथी ऐड की है। मेथी मैंने खुद ट्राई की थी आपके साथ पिछले रमज़ान व्लॉग में, मैंने शेयर किया था जब मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी कि मैं किस तरह ड्राई करती हूँ। इसे बहुत अच्छी ड्राई होती है और इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होता, बिल्कुल ग्रीन रहता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्सचर को मैं हमेशा हाथों से मिक्स करती हूँ, क्योंकि जितना अच्छा हम हाथों से मिक्स कर सकते हैं चम्मच से उतना अच्छा मिक्स नहीं होता। लेकिन जब आप हाथों से मिक्स करेंगे ना तो कोशिश करिएगा कि हरी मिर्च को लास्ट में ऐड किया करें, वरना हाथों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। उसके बाद हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को सबसे पहले आपने आंच फुल करके ना बहुत अच्छे से गर्म करना है। अगर आप किसी भी बर्तन में बना रहे हैं ना तो फिर आपके पकौड़े नीचे स्टिक नहीं होंगे। जब ऑयल एक बार गर्म हो जाए ना तो फिर आपने अपनी आंच को मीडियम रखना है, और उसमें सारे पकौड़े वन बाय वन ऐड कर देने हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं ना तो हाथ से ऐड करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आपको आदत नहीं होती तो हाथ जल जाता है। मेरी भांजी एक दिन मेरे साथ पकौड़े बनवा रही थी, तो इस तरह से उसने ऐड करने की कोशिश की थी ना, तो उसका हाथ जल गया था। मैंने कहा बेटा इसके लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बाद में आप अपने हाथों से जो है ना वो पकौड़े बना सकते हैं। जब एक साइड ब्राउन हो गई है तो मैंने फिर पलट दिया है, अच्छे से हम इसका कलर जो है वो प्यारा सा ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम सबको निकाल लेंगे। इस तरीके से ना पकौड़े बहुत अच्छे और बहुत परफेक्ट बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मेरा दिल कर रहा है ना मैं बाबा फूड RRC बन जाऊँ, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना मेरा ये करने का दिल कर रहा है। क्योंकि वो ऐसे अम्मियों की तरह डांट के समझा रहे होते हैं ना कि जैसे बात ज़बरदस्ती अंदर घुसानी होती है। अच्छा जी, पकोड़े हो गए थे ब्राउन, तो मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया ताकि इसका ऑयल जो है अच्छे से निचड़ जाए, ऑयल ज़ाय भी ना हो और ज़्यादा ऑयली अच्छे भी नहीं लगते। इस तरह से सारे पकौड़े रेडी कर लेने हैं, और रेडी करने के बाद सर्व करना है। जैसे रमज़ान पकौड़ों के बगैर अधूरा है, वैसे ही पकौड़े चटनी के बगैर अधूरे हैं, तो हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के मैंने क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए हैं, मैं दो क्यूब्स लेती हूँ अगर मुझे ज़्यादा बनानी हो, वरना मैं एक ले लेती हूँ। उसमें दही शामिल कर देती हूँ, दही शामिल करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद चटनी रेडी हो जाती है। अब सारी से थोड़ी देर पहले मैं ये ऐड करके रख देती हूँ, उसके बाद ये मेल्ट हो जाते हैं और दही में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो फटाफट जो है वो चटनी भी रेडी हो जाती है। इस क्यूब्स मैंने कैसे बनाए थे वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।